टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के जंगलों में स्थित खेत में महिला का शव बंद बोरे में पड़ा मिला। मृतका के हाथ पैरों में मेहंदी लगी हुई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि या तो मृतका की शादी होने वाली थी या फिर हाल ही में उसकी शादी हुई थी। शरीर पर गंभीर चोट के निशान ना पाए जाने पर अभी ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि कातिलों ने आखिर महिला की हत्या किस तरह से की थी। अभी आज सुबह गुलावटी थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव में एक खेत में डेड बॉडी मिली है। सुबह सुबह जब खेत का मालिक यहां काम करने आया था तो उसने पुलिस को सूचना दी कि एक बोरे में जिसका कुछ पार्ट फटा हुआ था उसमें एक महिला की बॉडी है। तो पुलिस मौके पर पहुंची, एरिया कॉर्डन ऑफ करके महिला के साथ बॉडी को सील किया और उनको पीएम और भेजा जा रहा है। इसके साथ उसके कपड़े और मोबाइल चार्जर भी बोरे में मिला। उसके हाथों मेहंदी लगी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि शादी हुई होगी या होने वाली होगी, कह नहीं सकते अभी कुछ। इसके अलावा बॉडी पे ज़्यादा इंजरी तो नहीं है, लेकिन कुछ रेड एब्रेशन के साइन है। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी। शव की शिनाख्त न होने की वजह से आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने कहीं और मृतका की हत्या कर शव को गुलावटी क्षेत्र में फेंक दिया होगा। मृतका के हाथों में मेहंदी और शरीर पर लगी हल्दी देखने के बाद पुलिस की जांच की सुई कई ओर घूम रही है। हालांकि देखने पर प्रथम दृष्टया शव ज्यादा पुराना नहीं लग रहा, जिससे पुलिस अधिकारी भी शव की जल्द शिनाख्त करा लेने का दावा कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि शव की शिनाख्त के बाद पुलिस के हाथ जल्द ही हथियारों तक पहुंच जाएंगे। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।